सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जायरो सेंसिटिविटी के ऊपर। जो भी प्लेयर जायरो सीखना चाहते हैं एंड जायरो सेंसिटिविटी उनको नहीं पता क्या होती है, सो आज हम बताएंगे आपको एंड क्लियर कर देंगे सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर इजीली। सो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ब्रो देखिए, सिंपल सी चीज होती है, जायरो सेंसिटिविटी एंड नॉन जायरो सेंसिटिविटी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। नॉन जायरो सेंसिटिविटी जो हम लोग थंब से कंट्रोल करते हैं, जायरो सेंसिटिविटी जो हम लोग हमारे फोन को टिल्ट करने के बाद हम लोग कंट्रोल करते हैं। सो सिंपल सी चीज देखिए, जायरो सेंसिटिविटी में कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा था है जायरो सेंसिटिविटी। सो टीपीपी नो स्कोप का मतलब होता है, जो हम लोग टीपीपी में देख रहे होते हैं नो स्कोप, जो व्यू लेने की कोशिश करते हैं फायरिंग के टाइम पे नहीं, जो व्यू लेने की कोशिश करते हैं हम लोग, वो होता है हमारा टीपीपी नो स्कोप। सो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है टीपीपी नो स्कोप, जहाँ पे सिर्फ मैं फोन को टिल्ट कर रहा हूँ एंड व्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब समझ लो आप, हम लोग देख रहे हैं बंदों को। सो वो होता है हमारा टीपीपी नो स्कोप। एंड सिंपल वही सेम चीज़ एफपीपी नो स्कोप भी वही है, जब हम लोग एफपीपी में खेल रहे हैं एंड व्यू लेने का कोशिश कर रहे हैं एंड उसके बाद सारे स्कोप आ जाते हैं, तो स्कोप में भी सेम चीज़ है। जैसे मैंने रेड डॉट लिया, मैंने स्कोप ओपन किया एंड ये मैं फ़ोन को टिल्ट कर रहा हूँ, सो ये व्यू आप देख रहे हैं ना, ये होता है हमारा रेड डॉट जायरो सेंसिटिविटी का व्यू, समझ रहे हो। सो सिंपल सी चीज़ है यही, जो हम लोग एडजस्ट करते हैं हमारे स्कोप को एनिमी के हेड पर ले जाने के लिए जायरो के हेल्प से, तो वो होती है जायरो सेंसिटिविटी। एंड उसके बाद आ जाती है हमारी एडीएस जायरो सेंसिटिविटी। तो एडीएस जायरो सेंसिटिविटी होती है हमारी जब हम लोग फायर कर रहे होते हैं, समझ रहे हो, जहां भी एडीएस वर्ड आ जाए ना, वहां पे एक सिंपल सा मतलब होता है कि हमारा एडीएस मतलब फायरिंग। सो एडीएस जायरो सेंसिटिविटी क्या होती है, जब हम लोग फायर कर रहे हैं ना, सो उस टाइम पे हम लोग हमारे जायरो की हेल्प से एम को या फिर हमारे रिकॉइल को कंट्रोल कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, तो वो होता है हमारा एडीएस जायरो सेंसिटिविटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है टीपीपी नो स्कोप। सो टीपीपी नो स्कोप का मतलब सेम चीज़ है, हम लोग गन है हमारे पास ओपन नहीं कर रहे हैं, जिगल वाला फायर जो होता है हमारा हिप फायर जो होता है लाइक दिस, ये जो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ना एम की, अब यहाँ लगना चाहिए, अब यहाँ लगना चाहिए, ये होता है हमारा एडीएस जायरो सेंसिटिविटी के साथ टीपीपी नो स्कोप। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा रेड डॉट या फिर कोई भी स्कोप। सो उस वो सिंपल सा मतलब होता है कि मैं जब फायर कर रहा हूँ, सो मैं एडीएस पे मतलब हमारे फ़ोन को टिल्ट करके मैं उस एम के ऊपर रिकॉइल को कंट्रोल कर रहा हूँ, सो वो होता है हमारा एडीएस जायरो सेंसिटिविटी कोई भी स्कोप के ऊपर, समझ लो रेड डॉट हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया, एनीवन। सो ये थी सिंपल सी चीज़ें जायरो के ऊपर, जायरो सेंसिटिविटी एंड एडीएस जायरो सेंसिटिविटी, दोनों चीज़ एकदम ही नॉर्मल है। आप अपनी सेंसिटिविटी बनाइए एंड आप स्टार्ट हाई से कीजिए एंड उसके बाद इंप्रूव कीजिए, जैसे ही आप थोड़ा परफेक्शन हो जाए आपका हाई में, उसके बाद आप जा सकते हैं कस्टमाइज सेंसिटिविटी के अंदर एंड वहाँ पे खुद की सेंसिटिविटी कस्टमाइज करके आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और भी अच्छा एंड आपके एम को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहती हैं, सो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।